आज शो की शुरुआत होने जा रही है, किस तरह का कैरेक्टर है? प्रोमो बहुत बेहतरीन लग रहा है, आपका किस तरह का कैरेक्टर है थोड़ा कुछ आप बताइए। बट हाँ, कितना काम रहना चाहिए, मतलब फैमिली में लेकर कितना काम रहना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ सीखने को मिल रही है कायनात। एंड बेसिकली मुस्लिम शो है तो उसमें मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि आपको कैसे करेक्टली वो प्रोनाउंस करना है, वो सीखने को यहाँ पर बहुत मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टर सर हमारे एक एक चीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं, और हमारे राइटर मतलब वो एक लाइन ऐसा लिखते हैं कि हमारे दो दिन आ जाते हैं। तो आई एक्चुअली वन डे आई जस्ट मैसेज हिम कि यार लिखते हैं मतलब। और कायनात का कैरेक्टर रियल लाइफ कि पब्लिक में कैसे मैरिज के लिए रिजेक्शन मिलता है, बीइंग डस्टी एंड ऑल, एंड उसकी वजह से वो थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट है पब्लिक के सामने बात करने में, जो मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई टॉक एंड आई लव माई कॉम्प्लेक्शन, आई लव माई स्किन, जो रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। वन थिंग आई रिलेट टू कायनात, आई एम वेरी होमली, वेरी फैमिली पर्सन, एंड यस आई कैन से नो टू यू। ओके, जब आपको ये शो के लिए ऑफर आया था, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? हाँ, ये करना है इस तरह का शो, क्या कहना चाहोगे? यस, आई वुड लव टू, बिकॉज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुश्किल शो है, आपके लेवल पे बहुत काम होता है उसमें, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड द वन थिंग आई लव्ड अबाउट इट कि जो मेरा रियल नाम है सारवी एंड माई कैरेक्टर कायनात, जो उसका मीनिंग है वो सेम है। एक्चुअली लव इट बिकॉज ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ, ओह माय गॉड, सारवी एंड कायनात इज द सेम मीनिंग, यूनिवर्स। सो या, शायद यूनिवर्स में लिखा हुआ था कि मुझे शो की अगर हम बात करें सेट में, काफी सुंदर सेट है, क्या कहना चाहोगे? हाउ वाज एक्सपीरियंस शूटिंग का? शूट का फील बहुत अच्छा है, ग्रैंड फीलिंग आती है, बिकॉज एज वी हैव सीन द सेट, इट इज ह्यूज एंड इट्स ब्यूटीफुल, जिसने भी डिजाइन किया आई एम लाइक किस्ड टू यू। एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस विद योर कलीग्स? करण है, अदिति है, कई सारे लोग हैं, इनके साथ काम करने का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने फ्रेंडली हैं, सेट पे बहुत हंसी मजाक चलता है हमारे, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लाइक मेरी मदर प्ले कर रही थी ना निशी मैम, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी जो दादी अम्मी बनी है उनसे, शीतल मैम है क्या, शीला मैम से बहुत अच्छे सीखने को मिलता है, बिकॉज दे ऑल आर एक्सपीरियंस, तो उनका एक्सपीरियंस हम तक पहुँचता है, ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखा। ओके, आखिर में दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहूँगी कि कीप गिविंग योर लव एंड ओके मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, प्रोमो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, तो कुछ आप बताना चाहिए किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है इस शो में आपका, क्योंकि शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न प्रोमो से ही पता चल रहा है। बिल्कुल, योर क्वेश्चन हैज गॉट द आंसर्स, एंड आई एम ग्रेटफुल आई एम टॉकिंग टू माय ऑडियंस ऑन दिस चैनल, नेशनल रिपोर्टर, राइट? सो आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव गिवन मी टाइम टू टॉक टू देम। As far as the show is concerned, मतलब जैसे आपने कहा कि वाकई इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है कहानी में, सच्चाई से जुड़े हुए हैं, रिश्ते अच्छी तरह बुने हुए हैं, मतलब रियल लाइफ में आप देखने वाले हो, तो मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस जुड़ जाएगी हमारे साथ, आइडेंटिफाई करेगी हमारे किरदारों से, हमारी दुआ से, हैदर से, हीना से, राहत से, गुलनाज भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं आपको। ओके, थोड़ा नूर है। ओके, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस शो में? देखो जी, एक तो माँ का कैरेक्टर है, अम्मी हूँ मैं हैदर की, दुआ मेरी बहू है और बहू से बढ़कर है, बेटी है, माँ बेटी का रिश्ता है, उसकी ज़िंदगी से मैं जुड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी से वो जुड़ी है, मेरी ये छोटी सी दुनिया है इस स्क्रीन प्रेजेंस में। लेकिन कहीं भी जैसे ज़िंदगी ने हीना को आज़माया है, वो कहीं खो नहीं गई, क्योंकि दुआ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। ओके, जब आप शूट कर रहे थे तो हाउ वाज एक्सपीरियंस विद योर कलीग करण, अदिति, कुछ आप बताना? करण, अदिति, रिचा, संदीप, शीला, माय चिल्ड्रन, नूर, कायनात,
रुहान जो प्ले कर रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल टीम. वन वॉन्ट्स टू कम टू द सेट, दैट स्पीक्स फॉर इट, आई बिलीव. ओके मैम, आपने कई सारे शो किए हैं, तो कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा मतलब पसंद आया? जब आप कौन सी भी शो करते हो तो वह कोई इमोशनल बॉन्डिंग हो जाते हैं आपके कोस्टार के साथ, क्या कुछ अगर हो जाते हैं नबिता? ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं रब से है दुआ की, तो ये टीम सचमुच बहुत वेलकमिंग है, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, अराउंड द कैमरा, वी हैव अ सुपर्ब टीम. सो रब से यही दुआ मांगते हैं कि ये जर्नी बहुत लंबी चलेगी. ओके, आखिर में आप अपने फैंस से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं एक तो गुजारिश करना चाहूँगी कि रब से है दुआ से जुड़ जाइए और उनके सारे ड्रीम्स के लिए बहुत बहुत गुड विशेस देना चाहूँगी. ओके, एक आखिर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, शो का फर्स्ट एपिसोड स्क्रीनिंग हो चुका है, काफ़ी धमाकेदार गजल के साथ, पोइट्री के साथ आपने काफ़ी किया है, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू. आगाज अच्छा है, आगे भी अच्छा जाएगा. एक शायर का रोल प्ले करता हूँ तो मज़ा आ रहा है प्ले करने में. माई फादर लव शायरी, तो दिस इज अ ट्रिब्यूट टू हिम. ओके, हाउ वाज एक्सपीरियंस अदिति के साथ काम करने का? काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेस है, उनके साथ काम करना और करण के साथ, काफ़ी खड़ूस बेटा है आपका. हमारी थोड़ी वैसी भी इक्वेशन हल्की सी जो मतलब सीन में होता है टू बी कैरी दैट, तो मज़ा आ रहा है. एंड अदिति इज अ स्वीटहार्ट, लवली वर्किंग विद हर. ओके, अगर हम बात करें शो में, शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न फर्स्ट में ही बता दिया है कि इसमें ट्रिपल एंगल दिखाई देगा, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? ऑलरेडी ये कहना चाहूँगा कि जब प्यार होता है तो फिर ऐसा हो जाता है और सब ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, बट सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि जब प्यार हो जाता है तो यू गो फॉर इट. ओके, आखिर में आप अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस से कहना चाहूँगा वॉच द शो, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. मतलब अदिति की क्या होने वाला है? काफ़ी आप आपका जो कैरेक्टर है विलन का कैरेक्टर है, किस तरह से आप किसका जीना हराम करने वाले हैं शो के अंदर? बता दो अभी. हाँ बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए. शो देखिए, बहुत लंबा शो है और बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इट्स लाइक फिल्म, मतलब आई एम सरप्राइज, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता था, जल्दी एंट्री भी दिखा देंगे. एंड जैसा मेन विलन है तो दिखाना पड़ेगा. शो की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एपिसोड में ही बता दिए ट्रिपल एंगल दिखाई दे रहा है, बीबी हस्बैंड एंड वो, तो क्या मतलब क्या क्या होने वाला है? मतलब शो इतना जल्दी दिखाया नहीं जाता है कि फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट शो में तो एपिसोड में एंट्री ही दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल दिखा दिया है, मतलब शो किस तरह का होने वाला? मतलब शो आप पता ही चल रहा है अभी कि बहुत कुछ होने वाला, बहुत हंगामा होने वाला है, बहुत स्पेशली माइंड लाइक बहुत फाइट सीन्स हैं, एक्शन है फुल ऑफ, इट्स नॉट रोमांटिक रोमांटिक. आप जैसे देख रहे हैं एंट्री ओपनिंग भी उससे फैक्ट्री से हुई है और मज़ा आया बहुत देख के, और शूट करते हुए तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. फाइट होने वाली तो किसके साथ? करण को आप मारने वाले हैं क्या? तो, क्या ये तो देखो बहुत देख के मज़ा आएगा कि कौन किसको मारने वाला है, कौन ज़्यादा खाने वाला है, कौन क्या करने वाला है. आई एम सो एक्साइटेड. अब तक आपकी जो सेट में हुई हुई की बात, सभी लोगों से मिले हो गए आप, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सभी कैरेक्टर्स लोगों के साथ? फॉर मी स्पेशली फ्रॉम लाइक ऑल द यूनिट एक्टर्स ऑल आर वेरी सपोर्टिव. ऐसा नहीं कि मेरा शो है, बहुत बढ़िया है, मतलब कोई भी काम करेगा उसको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और वो बहुत बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली सारे एक्टर्स, डायरेक्टर जिन्होंने लिखा है, रहीम जी, डायरेक्टर अजीत जी और प्रतीक शर्मा, एलएस जी, अमेजिंग प्रोडक्शन, अमेजिंग पीपल. मैंने अपने आर्टिकल में भी दिया है अभी, बहुत बढ़िया है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे. ऐसा लगता है कि मैं सब घर छोड़ के यहीं पे बैठो, सेट पे बैठो, सीखने को मिलता है और सब बहुत मज़ा आता है, मतलब क्या बोलूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर. आखिर में आप अपने फैन से एक लवली मैसेज दे दीजिए. प्लीज़, शो अभी शुरू हुआ है और सबकी एंट्रीज आ गई हैं, शो को देखिए, शो ZDV पर 10 बजे मंडे टू फ्राइडे, और आपका बस प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए.